नव निर्वाचित सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव का अभिनंदन समारोह। बिहार के जहानाबाद जिले के अब्दुल बारी नगर भवन में राष्ट्रीय जनता दल के नव निर्वाचित जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के नेताओं के द्वारा सांसद बनने के बाद उनके जीत की खुशी में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जहानाबाद के विधायक कुमार कृष्ण मोहन और मखदूमपुर के विधायक सतीश दास और पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष आभा रानी सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अभिनंदन समारोह के अवसर पर नव निर्वाचित सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जहानाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र के विकासात्मक कार्य के लिए मैं सदा तत्पर रहूंगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नीतीश कुमार के शासन काल में अपराध का ग्राफ बढ़ा है और अपराधियों का बोलबाला हो गया है। उन्होंने कहा कि छपरा में माँ बेटी सहित 3 लोगों की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई और पुड़िया में भी आज एक व्यापारी के साथ अपराधियों ने दिन दहाड़े करोड़ों रुपए की लूटपाट की घटना को अंजाम दिया और इस बड़े बड़े घटनाओं पर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। बहुत बड़ा सपोर्टर और बहुत बड़ा आपका रहनुमा रखने वाले इंसान, आप जैसे कहिए ना हम वैसे चलने वाले हैं। हम आपको छोड़कर अलग चलने वाले इंसान नहीं। जब हमको संसद कोटा मिलेगा तो हर विधानसभा में हल्ला देने की थी और मीटिंग बुला के जिम्मा लगा के आप लोग आपस में बांट लीजिएगा। हमको कोई उसमें से चिड़िया बेदाम और चाय पीने के लिए एक आध वो पैसा नहीं चाहिए, वो काम हम ना करते हैं। उससे थोड़ा हम दूर रहते हैं, हमारा काम उस सब नहीं है। और एक बात हमेशा याद है, चुनाव आ गया, आपस में कंट्रोवर्सियल रखिएगा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। सुरेंद्र यादव का वादा नहीं बनेगा। तेजस्वी वालों के मुख्यमंत्री कितना भी बनाना चाहते हैं, गठबंधन को हाथ उठाइए तो जब सब कुछ चाहते ही है तो सीता कसी आज से और कौन बात की, ये बंद की नहीं बंद कीजिएगा तो नुकसान आपको हो जाएगा। जैसे हम चाह रहे थे इसे पटना से रेल जाए अरवल होते हुए दाऊनगर औरंगाबाद होते हुए चतरा, तो चतरा जाता था आपका बहुत सारा और चराओ